चलेगा, इधर चुन लीजिए वो इधर उधर नहीं चलेगा, जो आप चाहते हो विद्यालय में वो कभी नहीं चलेगा। किस विद्यालय के आप शिक्षिका हैं? क्या बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में, प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में प्रखंड क्षेत्र के शिक्षिका जो है शिकायत करने आई है? इनका शिकायत सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। अब बताइए भला भगवानपुर प्रखंड की महिला शिक्षिकाओं को प्रखंड के जो शिक्षक है किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? आइए इन महिलाओं से पूछते हैं, ये मैडम है, अब मैडम ये देखिए किस तरह से ये फपक फपक कर रो रहे हैं आप लोग, इनको पहले देखिए, मैडम को दिखाइए किस तरह से, देखिए मैडम रो रहे हैं। मैडम आप पहले रोना पहले आप बंद कीजिए। मैडम क्या समस्या है आपका वो बताइए, क्या समस्या है मैडम? किस विद्यालय के आप शिक्षिका हैं? विद्यालय मुक्तियापुर। क्या समस्या होता है आपको वहाँ पे? वहाँ पर वो लोग स्कूल नहीं आते हैं, मिस्टर रितेश अंदर घर पर ले जाकर अटेंडेंस बनवाते हैं, हमको एक क्लास से लेकर चार क्लास में एक साथ कर दिए जाते हैं, वो लोग ऑफिस में बैठ कर राजनीति करते हैं, उसके बाद कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जाइए आपको जो करना है बस करिए, हम आपको जैसे रखेंगे वैसे आपको रहना पड़ेगा, आप क्यों नहीं रहिएगा, नहीं रहिएगा तो आपको परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि यहाँ से चल जाएगी। कौन कौन शिक्षक है उसमें शामिल, कौन कौन शिक्षक? आजाद सर, सुजीत कुमार, मनोज कुमार, नितेश नंद। अब बताइए भला आप लोगों को मैं वैसे शिक्षकों को सख्त हिदायत देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं जो आपका जो ये मनमानी जो चल रहा है प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय में वो कतई मनमानी नहीं चलेगा। ये बताइए भला सभी शिक्षक मिलकर एक महिला शिक्षिका को आप लोग इस तरह से प्रताड़ित जो कर रहे हैं काफी शर्म की बात है। और बताइए प्रखंड के जो शिक्षक है गुरु का दर्जा शिक्षकों को मिला है, लेकिन बताइए भला एक शिक्षक एक शिक्षिका को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका नमूना ये देखिए शिक्षिका और सब क्या होता है आपके साथ? मोबाइल में रिकॉर्ड है जी, मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं। हम जब बच्चा खाना खाने के लिए गए, बच्चा सारे नौकरी खाना खाने के लिए जाते हैं, हमको जब देखे तो लोग कमेंट करना शुरू कर दी, कमेंट करना शुरू कर दिए, तो बोले कि देखिए नीतीश नंदन है ऐसे, हमको लाके बोले कि देखिए सर ऐसे ऐसे बोलते आपको ठीक लगता है, हमको नीतीश नंदन कहते हैं क्या, इसका अर्थ क्या होता है आप हमको समझा दीजिए। हम बोले उनको कि हम क्या समझेंगे, ये सब शब्द बोलने लायक है आपको, हम क्या समझेंगे, आप अपने मैडम से पूछ लीजिएगा। देखिए सुशासन बाबू, जिस विद्यालय में जो है बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, शिक्षिका जो है बच्चे को शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन उसी विद्यालय में जो है ये भगवानपुर प्रखंड का शिक्षिका है और मध्य विद्यालय मुख्तियारपुर के शिक्षिका को किस तरह से प्रताड़ित वहाँ के शिक्षक कर रहे हैं वो आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। बताइए भला अब अकेले मैडम वहाँ पर है आप लोग, क्या शिक्षिका अकेले है? तीन शिक्षिका है, एक शिक्षिका है आधा संदीप का पत्नी और एक शिक्षिका है पटवारी जो है उनको भी मिला लिए, बोलते हैं कि जो करना है आप करिए, हम सब आदमी सब जगह से हमका अथी है मिला हुआ है, हमको कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जाइए आपको जो करना है करिए, कोई हमको कुछ कर सकता है, तो हम 3 महीना के बाद यहाँ हम आ जाए। देखिए लगातार प्रताड़ित के बाद जो है प्रखंड की ये शिक्षिका लगातार प्रताड़ित होने के बाद जो है प्रखंड प्रमुख के सामने अपना फरियाद लेकर आई है। बताइए भला ऐसे शिक्षक बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? जो प्रखंड प्रमुख है वो क्या कुछ कर रहे हैं आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। हेलो, आप एचएम बोल रहे हैं? अरे मेरे पास आपका एक आवेदन आया है आपके विद्यालय का, प्रीति कुमारी मैडम है, मध्य विद्यालय मुखिया को आप ही विद्यालय में पढ़ाते हैं? हाँ हेलो, प्रीति कुमारी जी मैडम जो है आप ही विद्यालय में पढ़ाते हैं? उनके साथ इतनी बड़ी समस्या है, अभी मेरे पास आवेदन हो दिया, आप क्या करते हैं वहाँ पे?
आवेदन जो दिए आप क्या करते हैं? आवेदन यहाँ जमा किए हैं, मतलब महिलाओं के वो इतना लोग उधर को बोल रही है, आप लोग विद्यालय में क्या कला करते हैं ये बताइए सर। दिक्कत है, ये समस्या कैसे आया आपके विद्यालय में? कोई समस्या आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बताइएगा, आपको समस्या नहीं नजर आ रहा है? काम हम क्यों बोलेंगे आपको? अभी आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, मतलब इस तरह का बात हो रहा और आप लोग उसमें संदिग्ध हैं। इधर चुन लीजिए, वो इधर उधर नहीं चलेगा, जो आप चाहते हो ना विद्यालय में वो कभी नहीं चलेगा। नहीं, जो आवेदन कोई महिला क्यों आवेदन दे, क्यों देगी आवेदन आप जब बताइए तो? अच्छा, मतलब ये लगते हैं कि फंसाने वाले हैं, ऐसे ऐसा आपको लगता है? इनको दिक्कत हुआ हुआ तब नहीं आवेदन दिए? पर सारा कार्रवाई छुपा जाएगा, इतना जान लीजिए। विद्यालय को अच्छा से चलाइए और सुव्यवस्थित चलाइए और मान सम्मान रखते हुए सभी शिक्षक और शिक्षिका का। और बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मानसिक रूप से जो प्रताड़ना वाला विषय क्यों है आपके विषय, आप यहाँ तक हमको आने के लिए क्यों दिए, आप वहां क्यों नहीं सॉल्व किए? ये आज का है, आपको आज का है, ये 10 दिन पहले की समस्या, आप यहाँ भी यहाँ पर कल तक क्यों आए? ठीक है, हम इलाज करते हैं इसका। क्या शिकायत मिला है प्रमुख जी आपको? ये मुखियापुर विद्यालय का एक महिला शिक्षिका मेरे पास अभी आई और वो मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकायत की है। शिकायत के मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं लगातार विद्यालय के प्रति अग्रसर होंगे, शायद ठीक रहे। महिला शिक्षक है, जो शिक्षिका है उनका मान सम्मान बरकरार रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैंने एक आवेदन पाया, बहुत दुखी, मुझे अंदर से कष्ट हुआ और इतना बड़ी कष्ट हुआ कि मैं उस HM को कहूँगा कि आप अपने विद्यालय में सलीके से पेश आए महिला शिक्षकों के प्रति, और जिसका जिसका आवेदन यहाँ आ गया उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मैं काम करूँगा। कोई बकसने का शिक्षा का प्रति मैं कोई काम नहीं।